खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। चौपट होने जा रही है, आज रोजगार का नाम निशान नहीं, निवेश का नाम निशान नहीं, कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, किसान चिल्ला रहे हैं कि उनको सही मूल्य मिले, उनको न्याय मिले, आज इसके बारे में कोई संसद में बहस नहीं, इसके बारे में कोई चिंता नहीं, जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है पिछले कई सालों में, आज ये साफ उभर के आ रही है। और आज हमने ये शांति मार्च किया है, केवल भोपाल के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय है, इस हृदय से, इस दिल से हम भारत के हर निवासी को संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये मौजूदा केंद्र सरकार हमारे आगे वाले वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल रही है। बीजेपी तो ध्यान मोड़ने का अभियान चला रही है, जन जागरण नहीं है, ये जन दबाने का है। मैंने तो कहा कि या हम सब क्या अनपढ़ हैं? क्या मोदी जी और अमित शाह जी कहते हम अनपढ़ हैं? हम पढ़ना नहीं जानते, हमने पढ़ लिया, हम उनकी नियत समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रश्न नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या नहीं लिखा है, प्रश्न नहीं है कि इसका क्या उपयोग होगा, इसका क्या दुरुपयोग होगा, ये आज हमारे सामने प्रश्न है। और इस प्रकार का कानून लाना, मैं तो सब पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगली दफा आप यहाँ बैठेंगे, मैं पूछूंगा कहाँ के नागरिक है, कोई सबूत है? आप सबूत लाइएगा, अपने परिवार बाप दादाओं का सबूत लाइएगा। तो ये जो आज इसकी सफाई देना चाह रहे हैं, ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आज जनता को गुमराह करने का ये पूरा प्रयास है। इन्होंने तो खुद कहा है, इनके गृह राज्य मंत्री ने संसद में क्या कहा है, हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा है कि ये NRC पूरे देश में लागू होगा। वो जो NPR लिया, ये तो हम भी चाहते थे, पर इसके साथ कोई NRC नहीं जुड़ा था। जो ये जोड़ के ला रहे हैं, ये इसकी नियत साबित करती है। देखिए, किसी ने कोई साइन कर दिया जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी, ऐसा कोई कानून हो, ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार। संवैधानिक संकट, आपके इस मार्च को संवैधानिक संकट बोला गया आज के मार्च। देखिए, आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, ये हमारा शांति मार्च था, ये कोई संकट मार्च नहीं है, ये हमारा शांति मार्च था। बोलो बोलो जोर से बोलो। बोलिए, दिक्कत जो नहीं है उसकी चिंता है, जो नहीं लिखा उसकी चिंता है, तो किस बात की चिंता कर रहे हैं? हम चिंता कर रहे हैं कि जो नियत है, जो NRC का लक्ष्य है, जो इसका अंदरूनी लक्ष्य है, जो CAB का अंदरूनी लक्ष्य है, जो लक्ष्य टेबल के नीचे इन्होंने रखा हुआ है, टेबल के ऊपर ये जनता को जो गुमराने का प्रश्न कर रहे हैं, हर कानून में सफाई दे दी जाती है, ये होगा और ये नहीं होगा। ऐसा कानून जिसमें केवल लिखा है ये होगा और क्या नहीं होगा, देखिए ये इनकी क्या नियत है, क्या लक्ष्य है, ये खुद जाने। हमें देश के संविधान की, देश की संस्कृति का पालन करना है, देश की। तो कमलनाथ ने साफ साफ कहा कि NPR तो हम भी लागू करना चाहते थे, लेकिन NRC इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, NRC ये सरकार जोड़ने की कोशिश कर रही है।